वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू हीरोमन यूट्यूब चैनल कमनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं 8th क्लास की गीता वीआर की बुक और मैथ्स का पूरा सोल्यूशन करने वाले हम इस बुक का। तो हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं, रैशनल नंबर्स, और इसके रिलेटेड हमने वीडियोज ऑलरेडी मैंने पहले बहुत सारी डाली हुई है। ओके, तो जो भी व्यूअर्स मेरी भी ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले वाली वीडियोज भी देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और किस टॉपिक के रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। So, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो पूरी सॉल्व की थी। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आज रैशनल नंबर्स का एक और टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सो इसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स हैं और बाकी के क्वेश्चन हमारे पास, तो वो हम आज ही इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स पहले समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो तो उसी के जैसे ही है, बट थोड़ा सा फर्क होता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसे रैशनल नंबर है, a अपॉन b इज डिवाइडेड बाय c बाय d। मल्टीप्लीकेशन के वक्त हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें ऐसा ही है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ डिवाइड, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देना, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी लाइक दिस। वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, a डिवाइडेड बाय c एंड b डिवाइडेड बाय d। इससे भी बेटर ऑप्शन क्या है, आपने क्या करना है, लेफ्ट एंड, जब हम डिवाइड करते हैं ना तो इक्वेशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है उसकी, एक राइट हैंड साइड। सिर्फ डिवाइड वाले की बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में क्या है, इक्वल टू के ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये ऐसा नहीं होता, बट मैं जस्ट एक डिवाइड वाला समझाने के लिए बता रहा हूं, डिवाइड वाला समझाने के लिए। जब डिवाइड हो रहे हो तो दो पार्ट में बढ़ जाता है रैशनल नंबर, दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड पे, एक डिवाइड के राइट हैंड साइड पे। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, और इसका साइन चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई, और क्या चेंज करना है, रेसिप्रोकल कर देना सी अपॉन डी का, इसको डी अपॉन सी लिख देना। अब कटिंग वगैरह करनी इजी हो जाएगी, अब मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन का कोई भी रूल लगा सकते हैं इस पे, है ना। तो इसमें एक जैसे कि मल्टीप्लीकेशन में थी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी होती है, If we divide any two numbers, any two rational numbers, then the result is also a rational number. तो वो obviously हो गई है ना, क्योंकि ये देखो ये divide किया था हमने, इसको divide कर दिया, change कर दिया है ना, a को c के साथ divide होना चाहिए था, a को c के साथ divide, देखो नीचे आ रहा है, c आ गया ना नीचे, a c के साथ divide हो रहा है, b के साथ भी हो रहा है, c के साथ भी, दोनों में से किसी भी के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग होनी चाहिए, और b d के साथ divide होना चाहिए, b d के साथ divide हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया easy थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मींस अगर इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो रैशनल नंबर ही होता है। तो पहले तो ये डिवाइड था ना, तो डिवाइड भी तो रैशनल नंबर ही देगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल है। बट हमारे पास जो बाकी की दो और प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है, एडिशन में भी पढ़ी है ना, और मल्टीप्लीकेशन में भी पढ़ी है, कि ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ये एप्लीकेबल है बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी डिवाइड एनी टू रैशनल नंबर्स लाइक दिस, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, वी कांट राइट इट लाइक दिस। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर, चाहे सी अपॉन डी को ए अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आता था, बट इस केस में नहीं होता ऐसे। कैसे, क्योंकि ये देखो जहां पे हमने मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड वाले को नहीं छेड़ते हैं, मतलब कि डिवाइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला जो लिखा होता है ना रेशनल नंबर, उसको घुमा के हम ऐसे ले देते हैं रेसिप्रोकल में, और इधर वाले को भी छेड़ दो, लेफ्ट वाले को नहीं छेड़ेंगे, राइट वाला जो है उसको हम छेड़ते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं उसको। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a इंटू डी डिवाइडेड बाय b इंटू सी, दूसरी तरफ क्या बन रहा है हमारे पास, c इंटू बी या b इंटू सी कह लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करने हैं, b इंटू सी बोल लो चाहे c इंटू बी, और a इंटू डी। ये तो देखो ये इसका रेसिप्रोकल बन गया, उल्ट बन गया, सेम नहीं बन रहा ना, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए करेक्ट नहीं है, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है, a अपॉन बी वन डिवाइडेड बाय c अपॉन डी इज फर्दर डिवाइडेड बाय e अपॉन f इज नॉट इक्वल टू, ऐसे ही वो भी नहीं होगी, ठीक है, याद में रखना है।
डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना है। ये अब देखिए ये एक डिवाइड का साइन है, इसके लेफ्ट में ये पूरी चीज ये एक है और ये एक है। ये ब्रैकेट को ऐसे अलग अलग नहीं समझना, ये चीज अलग ये अलग, ब्रैकेट पूरी एक थिंग है। ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन अलग, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट ब्रैकेट के बाहर अगर देखिए हम ये डिवाइडिंग साइन और इधर एक चीज है पूरी, ये एक है। इस बात का ध्यान रखना ठीक है। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, कोई भी दिक्कत आएगी हम वैसे भी आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप पूछ सकते हैं ठीक है। तो डिवीजन है तो बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, करना नहीं है, बस जहां पे डिवाइड होगा ना उसकी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको बस रेसिप्रोकल कर देना, लेफ्ट वाली को नहीं छेड़ना और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देना। कटिंग वगैरह वैसे ही, सब कुछ वैसे ही जो मल्टीप्लीकेशन में करते हैं हम ओके। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था वी विल डू सम एग्जांपल्स, तो ये हमारी एग्जांपल्स, यही दो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के पहले, और एक्सरसाइज के रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक है। तो पहले आप एग्जांपल्स करते हैं। डिवाइड दिस बाय दिस, दो रेशनल नंबर हमारे पास है, बाय की जगह पे डिवाइड का साइन डाल देना पहले। तो अब इसके डिवाइड के दो पार्ट्स हो गए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दो हो गए ना। तो मैंने आपको बताया इसको नहीं छेड़ना, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को नहीं छेड़ना, डिवाइड के राइट हैंड साइड वाले को हमने रेसिप्रोकल कर देना है ठीक है। तो दैट मींस इट विल बिकम लाइक दिस। अब देखिए कटिंग हो रही है क्या, फाइव के जा रहा है ये देखो, फाइव थ्री जार फिफ्टीन ठीक है। अब तो वैसे ही जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, ये वन पे गया, ये भी वन पे ना, थर्टीन वन जार थर्टीन, थ्री वन जार सॉरी थ्री थ्री जार नाइन, इजी। आगे ये देखिए एक एग्जांपल और है हमारे पास, ये मैं कर देता हूं सिक्स, कुछ भी नहीं नीचे तो मैं ऑब्वियसली वन लिख सकता हूं। फिर वही चीज, पहले इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, अब कटिंग करनी है, थ्री वन जार थ्री टू जार टू फोर जार कितना होता है एट, और वन इंटू यहां पे भी थ्री वन जा गया ना, वन इंटू वन होता है वन, सो एट आ रहा है सिर्फ, आंसर लिख सकते हैं हम, नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी देख लीजिए, बहुत इजी इजी से समझ है ठीक है। फिर से वही माइनस साइन बस अपनी जगह से नहीं हिलता है, रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है नंबर हिल जाते हैं। इसको यहीं पर रखना माइनस साइन को, ये नहीं छेड़ना, 65 सॉरी 65 था यहाँ पे, 65 अपॉन 4 हो जाएगा ओके। तो ये सिर्फ ये देखो 13 के टेबल पे ये कट रहा है, 13 फाइव आर 65 ओके। तो ये दोनों माइनस माइनस का साइन है, नहीं बीच में मल्टीपल है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा 3 फाइव आर 15 और ये 1 पे गया ना, 4 वन आर 4, सो ये आ गए आपके आंसर्स ठीक है। मैंने बताया बस एक डिवाइड में क्या है, आपको सही जगह पे डिवाइड का साइन लगाना और सही चीज को रेसिप्रोकल करना बस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जो मर्जी रूल लगा दो आपका काम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ओके। सो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। एक्सरसाइज की ओर मूव ऑन करते हैं आफ्टर दिस। नेक्स्ट जो हमारी है क्या है, एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज के सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। तो होपफुली आपको स्क्रीनशॉट्स मिल गए होंगे। तो फर्स्ट सम जो है हमारा वो क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग। तो अभी हमने जो एग्जांपल्स की हैं उन्हीं के रिलेटेड है एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या है डिवाइड करना है। तो जस्ट आपको जो पता चल जाए कोई भी एक पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं। लेट मी सॉल्व डी पार्ट फॉर यू, डी पार्ट कर देता हूं। यू हैव 5/12 डिवाइडेड बाय -3/8 ओके। तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर हाँ यहां पे अगर आप माइनस साइन नीचे भी ले भी आओगे तब भी वो ऑब्वियसली ऊपर ही जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नीचे भी आ जाएगा ठीक है। पहले तो आप इसको चेंज कीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस साइन अगर नहीं छेड़ोगे तब भी कोई बात नहीं, छेड़ के नीचे ले भी जाओगे तब भी ऊपर ही आना है उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए इनकी कटिंग तो नहीं हो रही है, 3 और 5 की, 3 और 8 की भी नहीं हो रही, 12 और 8 की हो रही है 4 के टेबल पे, 4 2 8 4 3 12। सो देखिए 5 into 2 बिकम्स -10, माइनस साइन तो आएगा ना क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन है हमारे पास, 5 into 2 10, 3 into 3 बिकम्स 9। जो ये पार्ट बहुत इजी था ना, है ना, तो ये वाला तो आपने कर लेना इजी।
सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में फिल करना कि हमारे पास क्या आएगा वहां पे, कि हमारा जो आंसर उन्होंने बताया हुआ है या फिर क्वेश्चन में जो भी है जहां पे भी ब्लैंक छोड़िए वो कैसे आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज इक्वल टू ब्लैंक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लो। इज इक्वल टू वन, सो ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, वन, सिंपल। आगे देखिए, 9/4 शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट -9/4। कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ नेगेटिव साइन हमें चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड विद, ऑब्वियसली विद -1 ना, तभी पता चलेगा। ऐसे होगा अगर, तो इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है ना, -1 का। तो हाँ सच, एक क्वेश्चन भी छोड़ा था मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल जिसका पॉसिबल, जैसे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के नंबर के बराबर होता है। जैसे कि 1 को रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/1 ही आएगा, तो 1 ही रहता है, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही रहता है। तो ये ऐसे नंबर है जिनको रेसिप्रोकल कर भी दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये वही रहते हैं, वही नंबर रहता है। तो ये बन गया -9/4, ऐसे बन रहा है। अगर -1 होगा यहाँ पे, -1/1 लिख लो चाहे, है ना। आगे इसके अलावा कोई और एक अदा देखना है तो देख लेते हैं, वैसे बाकी सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई इट, अगर नहीं होगा देन वी विल डू इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन, मैं एक पार्ट करने वाला हूं, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। सो आई हैव 8/21 प्लस -32/39, आगे है हमारे पास डिवाइड का साइन। तो ये कुछ एक हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसा भी है, बट नहीं, हमने पहले इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट वाले को, बस ये ध्यान में रखना है, ओके, इसको बाद में करेंगे। 8/21 ऐसे रहने दीजिए, प्लस आगे जो है, अब ये देखिए, ये ब्रैकेट में ये दो चीजें हो गई, डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को छोड़ देना, इसको चेंज नहीं करना, मतलब कि इसको हमने हिलाना नहीं है, इसको रेसिप्रोकल कर देना और यहां पे मल्टीपल का साइन आ जाएगा, ओके। 13 के टेबल पे देखो, 13 13 3 जार 39, 16 16 16 2 जार 32, -2 × 1, माइनस साइन है, 2 × 1 2 होता है, तो इट बिकम्स -2/3 × 1 = 3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गई होगा ना। आगे आपको पता है कि एलसीएम लेके 3/21 का फिर सॉल्व कर देना है, आपको आगे आता ही है, तो ऐसे करना है इसको सॉल्व। सेकंड पार्ट अगर नहीं हो पाएगा आपसे तो आप मुझसे पूछ लेना कैसे होगा, आई विल टेल यू। तो इसे को आपने आगे सॉल्व करना है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आपने करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट सम्स भी हैं, वो भी हम करेंगे, तो लेट्स डू इट। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/45 इफ वन ऑफ देम इज 4/19 देन फाइंड द अदर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहां पे, फटाफट से हो जाएंगे, बहुत इजी इजी सम्स है, ठीक है। तो 1/1 मैं सभी करवा देता हूं आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/45, दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीपल हमें दिया हुआ है, उनमें से एक 14/9 है, दूसरा नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर इज x, मान लो चाहे x/y मान लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे x ठीक है। अदर, अदर तो हमें पता चल गया, उसमें से पहले वाला कौन सा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहले वाला है 14/9, माइनस तो नहीं है, नहीं, इफ वन ऑफ देम इज 14/9 इट इज प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाइड विद अदर, अदर कौन सा है हमारा, x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दैट इज -28/45। अब ध्यान में ये रखना है कि इधर मल्टीप्लाई का साइन है, तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी चीज इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है,
तो उधर जाके डिवाइड होगी, जहां तो ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन बताता हूं कैसे कैसे कर सकते हैं हम। आप ऐसे कर सकते हैं, ये कंप्लीटली मल्टीपल हो रहा है इसके साथ, उधर जाके डिवाइड बाय 14 बाय 9 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके बताता हूं, आपका आंसर सेम ही आएगा। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, 9 अपॉन 4 आ जाएगा। ओके, 4 7 जार 28, 9 5 जार 45, तो x की वैल्यू -7/5 आ रही है। और इसी को आप और कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करते, डिवाइड वाला नहीं करते, तो कैसे करेंगे, x इधर ही रहेगा, डिवाइड में क्या है 9, मतलब नीचे जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो डिवाइड में होता है, मतलब तो नीचे 9 है, तो उधर जाएगा तो 28 के मल्टीपल में हो जाएगा ये। पहले तो ये लिख लेते हैं, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 9, 28 है ना, और 14 एक्स के साथ मल्टीपल में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये एक स्टेप जो बीच में मैंने लिखा ना, इसको स्किप कर सकते हैं, सीधा आप यहां पे आ सकते हैं। 14 था, ओके 14 था ना, 14 मतलब 14 टू आर 28, सो यू विल हैव -2/5, तो यहां पे भी 14 लिख देते हैं। सो एक्स यहां से भी आपका -2/5 ही आ सकता है, तो जैसे मर्जी कर लो, जो आपको इजी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6/7 टू गेट द प्रोडक्ट एज, ये भी सेम वैसे ही है, मैं सिर्फ अब आपको इक्वेशन बना के बताने वाला हूं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो इसमें भी एक नंबर है, दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, रेस्ट नंबर्स का उनमें से एक हमें गिवन है -1/6, है ना। तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ बाय व्हाट, व्हाट मतलब किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, वो हमने लेट कर लिया, लेट द अदर नंबर इज एक्स, तो 1/6 -1/6 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, टू गेट द प्रोडक्ट एज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आए, -23/9। तो करना वैसे ही जैसे हमने इससे पहले वाला किया, तो आपने सॉल्व करना आगे। ओके, आगे वाला, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड, अब वही है, वही चीज आ गई, लेट द अदर नंबर इज, वही चीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब किसके साथ डिवाइड करें, किसको डिवाइड करना है वो भी लिख देते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड -22/16, -22/16 को किसके साथ डिवाइड करें, सो दैट वी कैन गेट द क्वेश्चन एज, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -11/8। ओके, तो ये वाला तो इजी है वैसे, ये चीज इधर डिवाइड में है पूरी की पूरी, उधर जाके मल्टीपल में लिख सकते हैं, और जैसे वैसे तो आप जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इधर डिवाइड में है ना ये 22 इसके साथ, तो इजी कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप इसको सही कर लो, मल्टीप्लाई साइन ले आओ इसकी जगह पे, इट बिकम्स 1/x, x अपॉन 1 है ना, या वैसे तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1/x, x डिवीजन में उधर के मल्टीपल में आ जाएगा, और ओके x अब मल्टीपल में चला गया उधर। अब x की वैल्यू निकालनी इजी है, क्योंकि ये अब सीधा हो गया, पहले उल्टा हो गया था ना डिवाइड मल्टीप्लाई साइन डालने की वजह से, अब 8 डिवाइड में इधर मल्टीपल में आ जाएगा, 11 -11 मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, x को छोड़ देना इधर ही, ये ऊपर से नीचे को आ जाएगा, ये तभी आ रहा है क्योंकि ये यहां पे x के साथ मल्टीपल में है, अगर ये प्लस में होता x के साथ तो इधर आके पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता, फिर ये ऐड होना था ना, तो रूल्स ध्यान में रखने हैं, गलत नहीं लगाने हैं। एक्स को उधर छोड़ा, सिर्फ 8 ऊपर आ गया, 11 -11 नीचे चला गया, कटिंग हो रही है, 11 2s are, और ये भी 8 2s are, ओके 8 2s are 16, और तो ये भी कट गया, एक्स की डिवीजन विद 1 हो रही है, नहीं नहीं बाय व्हाट शुड वी डिवाइड, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 ना, अच्छा हाँ, वन ही रहेगा क्योंकि ये कटिंग तो इनकी खुद की हो रही है, ये ही बन रहा है,
टू एट आर टू इलेवन आर, ये खुद की कटिंग ही हो रही है ये, तो ठीक है वन ही आएगा आपका आंसर एक्स, ओके है ठीक है। आगे आ जाते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड द सम ऑफ डैश एंड डैश बाय देयर डिफरेंस। हमारे पास दो नंबर है, पहले तो ये लिख लेते हैं, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के साथ, डिवाइड द सम ऑफ दीज टू, मतलब के 65 बाय 12 का सम करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, इन दोनों के ही सब्ट्रैक्शन के साथ, बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, कि हमने इन दोनों का जो भी सम आना है उसको डिवाइड करना है बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक। अब ये वाला पहले सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड देम। 84 एलसीएम आ रहा है, तो इधर वाला लिख लेते हैं पहले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, 7 इधर और 12 उधर, ठीक है 65 इंटू 7 करके देख लो, 7 5 7 6 42 4 5, ठीक है माइनस 12 12 144, इसको हमने डिवाइड करना है विद इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, इनका भी एलसीएम सेम ही आएगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम ही है, ठीक। यहां पे क्या आ रहा है, माइनस करने पे 311 बाय 84 डिवाइडेड बाय, यहां पे इनको तो ऐड करना था, सॉरी इनको ऐड करना था 599 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस करना था 311, फिर से इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, 599 डिवाइडेड बाय 84 इज मल्टीप्लाइड विद 84 बाय 311। इनको कटिंग करके देख लो होते हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये था सेवंथ क्वेश्चन ना, एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। अब दो नंबर्स हमारे पास ए और है, एट्थ क्वेश्चन, एक नंबर है हमारे पास 5 बाय 6 एंड दूसरा है 6 बाय 5, ठीक है। डिवाइड करना है किसको किसके साथ, इन नंबर्स को आपस में नहीं, ध्यान से पढ़ना है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 बाय 6 एंड -6 बाय 5, इनके प्रोडक्ट को पहले तो प्रोडक्ट कर लो, मतलब इन्हीं नंबर से प्रोडक्ट को डिवाइड करना है किसके साथ, बाय देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दैट मीन्स ओके, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बाय द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, इन्हीं दो नंबर जो हम नंबर में दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट करके जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करना है किसके साथ, बाय देयर डिफरेंस, ठीक है। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। इसको पता चल रहा है आपको, ये देखो 5 के साथ 5 के आंसर होगा, 6 के साथ 6, -1 बच रहा है इधर, तो सर इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा 5 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस माइनस प्लस एड एडेड विद दिस, इसको सॉल्व कर लेना है आपने, आगे आपको पता है कैसे करना है। तो ये अगर कोई भी सम नहीं हो पाएगा आप मुझे पूछ लेना, पीछे आंसर चेक करते रहिए कि आपका आंसर क्या आएगा इसको करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नाइन्थ और टेंथ दो क्वेश्चन बचे हैं,
सो लेट्स डू देम। यहां पे आ जाएंगे वैसे तो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे दिया हुआ हमें इफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2/3 एंड z इज इक्वल टू 3/4। प्रूव करना है हमने x प्लस y इज डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z प्लस y ऑल्सो डिवाइडेड बाय z। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने, ऑब्वियसली हो जाएगा, नो डाउट। सो लेट्स डू इट, पुट करते वैल्यूज। ठीक है, सो जैसे हम करते आ रहे हैं 3 × 2 मल्टीप्लाई करके नीचे 6, 3 इधर 2 उधर, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। और ये भी ये एक एक टर्म होगी, ये दूसरी होगी डिवाइड की तरफ, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ये वाला भी साथ साथ में करते जाओ रेसिप्रोकल, इधर वाले को नहीं छेड़ रहे हम, बस डिवाइड के दूसरी तरफ वाले को छेड़ रहे हैं। मैंने अगर कुछ गलत भरा हो तो देख लेना, वैसे तो मैंने सही भरा है। ओके, सो इट बिकम्स 7/6 × 4/3। सो यू विल हैव 7 × 2 = 14। ये नेक्स्ट वाले में लिखते हैं, इधर देखते हैं 2 × 1 = 2 नीचे 3 2/3। और यहां पे देखिए कटिंग हो ही नहीं रही है, 4 × 2 = 8/9। ओके, देन 7 × 2 = क्या होता है 14, 3 × 3 = 9। इधर तो ये आ गया, दूसरी तरफ क्या यही आ रहा है, पहले तो इन दोनों का एलसीएम 9 ही आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 8 × 9 = 9, 1 × 8 = 8, तो इट बिकम्स 8 × 6 = 14/9। तो हमारे पास दोनों में सेम आ रहा है इसमें, तो ये वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाइड। किसी भी बच्चे को कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं मुझे, मेरे नंबर में मैसेज करके। फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, हो सकता है आपको दिक्कत आए, आएंगी दिक्कतें, सो घबराना नहीं है, आपके पास नंबर है मेरा, आप मुझे पूछ सकते हैं वहां से। सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा इसमें सम बचा है वो भी कर लेते हैं, इधर हो जाएगा। लास्ट फाइंड, बहुत इजी है, फाइंड करने को बोला हुआ है, क्या एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो ऐसा एक सम जो ऐसे हमने स्टेटमेंट में भी किया था, दो रैशनल नंबर से हमें बोला गया था डिवाइड द सम ऑफ दीज रैशनल नंबर बाय द डिफरेंस ऑफ दियर रैशनल नंबर्स, तो ये रैशनल नंबर्स की वैल्यूज यहां पे पुट होनी है। तो स्टेटमेंट के सम जैसे ही होगा, x की वैल्यू दी हुई है हमें 2/5 और y की वैल्यू दी हुई है 1/2। ओके, बस पुट करो और आंसर निकालो। इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, जो आंसर आएंगे फिर इसका लिख के इधर वाले को रेसिप्रोकल, इस आंसर को रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, तो ये वाला सम आप खुद भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, नहीं होगा देन आस्क मी, आई विल टेल यू कैसे होना है। तो ये थी आपकी आज की 1.4 एक्सरसाइज डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अगर कुछ नोट करना है तो आप कर लीजिए। आज के इस टॉपिक में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं समझाना चाहता था, डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स कैसे होती।
आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए या आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए। वैसे पर्सनल नंबर पे करेंगे तो इट्स बेटर, मैं आपको वहां पे रिप्लाई भी कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कमेंट मेरे को लेट शो होता है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कोशिश कीजिए, अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही होपफुली मैं समझाता रहूंगा, आपको समझ में आता भी रहेगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, सी या इन द नेक्स्ट वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।